नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि कभी कभी समाज में इस तरह की लोग गलतियां कर जाते हैं। गांव या शहर में भवन निर्माण के लिए जो भूमि खरीद करते हैं तो उसे बिना मेजरमेंट द्वारा जांच कराए एरिया को परखे बिना सेल डीड करवा लेते हैं और बाद में जब उस भूमि पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाते हैं तो उसके पूर्व जब मेजरमेंट कराया जाता है तो पता चलता है कि क्रेता के ज़मीन खरीदने के साल दो साल पूर्व ही पड़ोस के लोगों ने 2 डिसमिल ज़मीन को अतिक्रमित कर रखा है, उस पर भवन निर्माण करके रखा है या और कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करके रखा है। तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लोगों को कौन सी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए? दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं अपने दर्शकों को आगाह करना चाहूँगा कि ज़मीन खरीद करने से पूर्व ही मेजरमेंट के माध्यम से उस ज़मीन के एरिया का परख अवश्य कर लें, तभी आप अपने पक्ष में सेल डीड एग्जीक्यूट करवाएं। अन्यथा इस तरह की गलतियां विवाद का विषय बन सकती है। तो खैर, आप विषय वस्तु पर आएं। आगे इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपसे इस तरह की भूल हो चुकी है कि आपने ज़मीन खरीदने के पूर्व उसका मेजरमेंट नहीं करवाया, एरिया का जांच नहीं किया और बाद में आपको पता चला आपके ज़मीन खरीदने के साल दो साल पूर्व से ही पड़ोस ने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो इसके लिए आगे की कार्रवाई करते हुए आपको सर्वप्रथम एक सरकारी अमीन के द्वारा आप अपने तहसील या अंचल कार्यालय में आवेदन देकर सरकारी अमीन से मेजरमेंट करवा लें और पड़ोस द्वारा कितने ज़मीन का अतिक्रमण किया गया है इसका एक रिपोर्ट तैयार करवा लें। फिर आगे की कार्रवाई करते हुए यदि पंचायत से या सहजतापूर्वक आपके पड़ोस ज़मीन पर जो अतिक्रमण किए हैं उस अतिक्रमित भूमि को मुक्त नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस करना चाहिए और जब इसकी ट्रायल होगी, जब आपके पक्ष में डिग्री होगी तो इसके लिए आपको एक्सक्यूशन का आवेदन देना पड़ेगा। इस तरह रिकवरी ऑफ पोजीशन का मुकदमा करने के लिए आपके पास में सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड तो मस्ट है, साथ ही उस भूमि का करंट रसीद भी चाहिए और इतने सारे कागजातों के साथ आप उस भूमि पर रिकवरी और पोजीशन का मुकदमा कर सकते हैं। इसमें डिफेंडेंट जमीन मालिक को भी बनाना है जो आपकी भूमि को अतिक्रमित किए हैं, उसके साथ साथ जमीन मालिक को भी आप विपक्षी बनाएं। डिग्री हो जाने के बाद उस डिग्री को जारी कराने के लिए जो आप एक्सक्यूशन का केस करेंगे, एक्सक्यूशन का आवेदन उसी न्यायालय में देंगे तो फिर डिग्री जारी करते हुए कोर्ट के आदेश से आपको पुलिस बल की मदद अवश्य मिलेगी और पुलिस बल की सहायता से आसान तरीके से आप उस अतिक्रमित भूमि को खाली करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और इस तरह की कानूनी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।